बॉलीवुड गलियारों में आज क्या कुछ है खास, आइए जानते हैं बॉलीवुड बस के साथ। हेलो फ्रेंड्स, मैं कीर्ति एक बार फिर से हाजिर हूँ बॉलीवुड की लेटेस्ट अपडेट्स के साथ। लंबे बालों से लेकर सफेद दाढ़ी तक, 14 सालों में धोनी ने बदले अपने इतने लुक। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी आज यानी 7 जुलाई को अपना जन्मदिन मना रहे हैं। धोनी आज 37 साल के हो गए हैं। दिसंबर 2004 में डेब्यू और फिर साल 2005 में शुरू हुआ धमाकेदार बल्लेबाजी का सफर अभी तक जारी है। आज उनका नाम दुनिया के सबसे बेहतरीन कप्तान और विकेट कीपर बल्लेबाज के रूप में लिया जाता है। महेंद्र सिंह धोनी, जिसे प्यार से उनके फैंस माही कह के बुलाते हैं, वो अपने हेयर स्टाइल्स को लेकर काफी ज्यादा सुर्खियों में भी रहे। महेंद्र सिंह धोनी ने क्रिकेट की दुनिया में जैसे जैसे ऊंचाइयां चढ़ी, वैसे ही अपने लुक्स में काफी बदलाव भी किए। उनके लंबे बालों की तारीफ तो खुद पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ तक ने की, हालांकि धोनी ने बाद में वो लुक बदल दिया। आज भी वो काफी कॉन्फिडेंस से अपनी सफेद दाढ़ी को कैरी करते हैं। क्रिकेट की दुनिया में छाने के लिए धोनी को ज्यादा समय नहीं लगा, जल्द ही वो भारत के सुपरस्टार बन गए और देखते ही देखते उनके करोड़ों फैंस भी हो गए। जो न सिर्फ उनकी बल्लेबाजी के दीवाने थे बल्कि उनकी हेयर स्टाइल को भी काफी ज्यादा शिद्दत से फॉलो करते थे। महेंद्र सिंह धोनी ने अपने करियर की शुरुआत से ही अपने बालों के लिए काफी ज्यादा सुर्खियां बटोरी। लंबे समय तक धमाकेदार बल्लेबाजी के साथ साथ लंबे बाल भी उनकी पहचान बने रहे। 2007 में विश्व कप के बाद उन्होंने अपने लंबे बाल कटवा दिए थे। 2011 में विश्व कप जीतने के बाद धोनी एक अलग ही लुक में सामने आए, जब उन्होंने अपने पूरे बाल मुंडवा दिए थे। विश्व कप जीतने के लिए किसी मन्नत के तहत धोनी ने ऐसा किया था। पिछले काफी समय से धोनी अपने छोटे बालों के साथ भी अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते हुए नजर आते रहते हैं। हालांकि बढ़ती उम्र के बाद उनकी दाढ़ी ने भी लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। बढ़ते हैं मनोरंजन की अगली खबर की ओर। छोटे पर्दे की तुलसी पॉलिटिक्स के साथ साथ अब निकली है अपनी लाइफ की क्रेजी राइड पर। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आजकल सोशल मीडिया पर काफी अलग अंदाज में छाई हुई है। इस बार स्मृति ईरानी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक तस्वीर शेयर की, जिसमें वो एक एडवेंचर बाइक पर बैठी हुई नजर आ रही हैं। इस बाइक को देखकर लोगों को टाइगर जिंदा है के सलमान खान याद आ जाएंगे। बात चाहे राजनीतिक जिंदगी की हो या फिर असल जिंदगी की, स्मृति ईरानी हर जगह ट्रेडिशनल इंडियन लुक में ही नजर आती है, लेकिन इस बार उनका लुक कुछ अलग ही था। इस पिक्चर में स्मृति ईरानी ब्लैक शर्ट और सफेद पैंट में काफी अलग अंदाज में दिख रही थी। इस पोस्ट को शेयर करते हुए स्मृति ईरानी ने लिखा, कॉज लाइफ हैज अ क्रेजी राइड। उनका ये पोस्ट सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। जहां तक फैंस की बात करें तो फैंस ने इसके लिए मजेदार रिएक्शन भी दिए हैं। पिछले साल स्मृति ईरानी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपना अकाउंट बनाया था, अक्सर इसके बाद से वो तस्वीरें शेयर करती रहती हैं। कुछ दिनों पहले स्मृति ईरानी ने पति जुबिन ईरानी और बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान के साथ एक तस्वीर शेयर की थी, जिसमें उन्होंने लिखा था, ओनली वुमेन गॉसिप। बढ़ते हैं मनोरंजन की अगली खबर की ओर, आइए जानते हैं कौन है वो सिंगर जिसने म्यूजिक की दीवानगी में छोड़ दिया था अपना घर। 10 से ज्यादा भाषाओं में अब तक 700 से ज्यादा गीत गाने वाले कैलाश खेर को संगीत मानो विरासत में मिला हो। 7 जुलाई 1973 में उत्तर प्रदेश के मेरठ में जन्मे कैलाश खेर आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। हालांकि म्यूजिक से जुड़ाव होने के बावजूद उन्हें कभी भी बॉलीवुड के गाने सुनने का शौक नहीं रहा। म्यूजिक के लिए कैलाश ने अपने घर से ही बगावत कर दी थी। कैलाश जब 13 साल के थे तब वे म्यूजिक सीखने के लिए घर वालों से लड़कर मेरठ से दिल्ली आ गए। दिल्ली में म्यूजिक सीखने के साथ साथ उन्होंने पैसे कमाने के लिए भी विदेशियों को संगीत सिखाया। मुंबई का शुरुआती दौर कैलाश खेर के लिए अच्छा नहीं रहा। काफी वक्त तक उन्होंने स्टूडियो के चक्कर लगाए, लेकिन कहीं बात नहीं बनी। फिर एक दिन उन्हें एड का जिंगल गाने के लिए बुलाया गया, जिसके बाद उन्हें अक्षय कुमार और प्रियंका चोपड़ा की फिल्म अंदाज में गाना गाने का मौका मिला, और वो गाना था रब्बा इश्क न होवे। ये गाना बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ, फिर तो जैसे उन्होंने पीछे मुड़कर ही नहीं देखा। अल्लाह के बंदे और तेरी दीवानी जैसे गानों ने न केवल कैलाश को ऊंचाइयों पर पहुंचाया, बल्कि आज भी ये गाने लोगों की जुबां पर हैं। बॉलीवुड की ऐसी तमाम अपडेट्स के साथ हम हाजिर होते रहेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।